हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। युवाओं ने नेता एमएमए मंत्री को दी खुली चुनौती। ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर हजारों युवाओं ने किया जयपुर कूच। बाड़मेर में ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर हजारों की संख्या में युवाओं ने जयपुर कूच किया। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर युवाओं का लगातार प्रदर्शन जारी है। 30 सितंबर को होने वाली आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए बाड़मेर से हजारों की संख्या में युवा जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। युवाओं में विसंगतियों को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। तीखे तेवर में बोले युवा नेता, एमएलए व मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि इस मांग में हमारा समर्थन करें, नहीं तो आने वाले चुनाव में इस बार युवा आईना दिखा देंगे। जिले से 100 से ज्यादा बसी और छोटी बोटी गाड़ियां जयपुर के लिए रवाना हुई हैं। इसमें हजारों की संख्या युवा जयपुर में प्रदर्शन करते नजर आएंगे। जयपुर में कल शनिवार को होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर हजारों की संख्या में युवा बाड़मेर से जयपुर के लिए रवाना हुए। वहीं जिला मुख्यालय पीजी कॉलेज ग्राउंड से बड़ी संख्या में बसों को जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने झंडी दिखाकर जयपुर के लिए रवाना किया। युवाओं का कहना है कि ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहे अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द 2018 संशोधन आदेश को निरस्त किया जाए। कांग्रेस युद्ध कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा का कहना है कि ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को लेकर हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में रैलियां हुई हैं, लेकिन रैलियों के बावजूद सरकार जगे नहीं। सरकार को जगाने के लिए युवा हजारों की संख्या में जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं। हमारी 4-5 मांगे हैं, इसको लेकर स्टूडेंट्स और उनके परिजन जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। पूरे बाड़मेर से करीब 100 से ज्यादा बसें जा रही है। जयपुर में धरना एक दिन का नहीं है, यह अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। सरकार की तरफ से अभी तक सकारात्मक रुख है, लेकिन तब तक विसंगतियां दूर नहीं होती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। युवा पीराराम माचरा का कहना है कि हमने 6 माह पहले जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया था, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी है। शनिवार को जयपुर में आंदोलन होगा और ये लड़ाई आर पार की होगी। जो भी नेता हमारे साथ है उनका स्वागत है, और जो नेता मौन धारण करके बैठे हैं, युवा आने वाले चुनाव में वोट की चोट उनका जवाब देंगे। ये था साल 2018 का आदेश। राजस्थान कार्मिक विभाग ने ओबीसी आरक्षण में संशोधन करते हुए 17 अप्रैल 2018 को आदेश जारी किया था। इसमें ओबीसी सहित अन्य कैटेगरी के आरक्षण में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण कोटे को खत्म कर मूल भर्ती के कुल पदों में से भूतपूर्व सैनिकों का 12.5% कोटा तय किया है। इससे कुल पदों में ओबीसी की आबादी ज्यादा होने से भूतपूर्व सैनिकों में सबसे ज्यादा ओबीसी के भूतपूर्व सैनिकों का चयन होता है। इसके बाद सरकार इन भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण वर्गों की कैटेगरी में से कटौती करती है। इससे ओबीसी के 21% आरक्षण कोटे के अधिकांश पदों पर भूतपूर्व सैनिक काबिज हो जाते हैं और ओबीसी के मूल वर्ग को पद नहीं मिल पाते। कई भर्तियों में तो भूतपूर्व सैनिकों के अलावा ओबीसी के मूल वर्गों को एक भी पद नहीं मिला है। कई बार मिले सीएम व कार्मिक विभाग के अधिकारियों से। साल 2018 के संशोधन आदेश को निरस्त करने के लिए युवा स्थानीय नेताओं के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले कई बार मुख्यमंत्री व कार्मिक विभाग के अधिकारियों से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसके बाद से युवाओं में जबरदस्त गुस्सा नजर आया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।